आई थी? क्यों झूठ बोलते हो साहब कि अकेले चरखे से आजादी आई थी? कुछ लोग ये मानते कि इस देश में आजादी कैसे आई। मंच को आमंत्रित करता हूं कि वे माननीय मंत्री जी का शाब्दिक अभिनंदन करें। श्री कृष्ण कुमार जी, भोजपुर सरपंच सहलावास। इंद्रजीत सिंह, माननीय राव इंद्रजीत सिंह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आगे हमारे को फैक्ट्री वाले लग जाएंगे। और जो मैं कह रहा हूँ कि एक बार में तुम राह दे दो, पांच चार साल तुम धरना मत बैठियो, लगे पीछे तुम बिल्कुल लगन से काम करियो। जो इनका जो ताला लग रहा है ना हमारे पे, वो ताला अपने आप ही खुल जाएगा। भारी वाले लगन ये तो मैं बात करना चाहता हूँ जो कृष्ण सरपंच ने कही थी। एक हजूराम जी हमारे कप्तान साहब, कहानी तुमने भी सुनी होगी कि बार बार प्रयास करने के बाद ही संभव है, निराशा से कुछ संभव नहीं है। आप जिताते हो, सरकारें बनाते हो, लेकिन मुख्यमंत्री पार्टियां बनाती है, मंत्री पार्टियां बनाती है। आज आप लोगों के माध्यम से हम सब साथी यहां पे नेता गिने जाते हैं। क्यों कहना चाहता हूं कि किसी हिसार वाले की पूंछ पकड़ करके या रोहतक वाले की पूंछ पकड़ करके या कहीं और जिले की वाले की पूंछ पकड़ करके क्या हमारी हालत सुधर जाएगी? उसका उसकी आवाज बुलंद हो रही है। कभी कोई कहता है कि उसकी आवाज बुलंद हो रही है, भाजे भाजे नेता बनने के लिए उसके घर चले जाते हैं और फिर वो उनका शोषण करते हैं। हमारे से जो खिंड करके जाता है उसको लपक लेते हैं, नेता उसको बना देते हैं, स्टेज पर बिठा देते हैं, उसके मार्फत भाषण दिलवा देते हैं। और उसके बाद वही जो हमारे बीच में से निकल करके जयचंद बन करके गया है वो हमारी पान दाल में पानी देता है। मैं कहता हूं जो लोग इस किस्म के करते हैं, अगर आपकी वोटों के मार्फत बन करके हमारे साथ गद्दारी करते हैं, उन लोगों को हुक्का पानी बंद करो, उनको गांव के अंदर भीतर घुसना बंद करो। हम आने वाले समय के अंदर अपनी अगली वाली पीढ़ी को उम्मीद बख्श करके जाना चाहते हैं, निराशा बख्श के नहीं देना चाहते। 40 साल की मेरी उम्र हो, 40 साल की राजनीति मेरी उम्र हो गई है। मैं नहीं चाहता कि मेरे परिजन हो या मेरे साथियों के परिजन हो या बच्चों हो, वो दूसरों के सामने झोली पड़ा करके करें। मेरी मंशा यह है कि समय आए हमारे पास झोली पसा करके लोग आए, क्योंकि हमारे पास भी वोट है, हम भी बनाते हैं। और हम अगर इकट्ठे रहे 36 बिरादरी के लोग, तो आने वाले समय के अंदर देर है, भगवान के घर के अंदर अंधेर।